कभी सोचा है कि भाई देखो हर किसी बंदे के पास स्किल सेट होता है बट हर कोई बंदा उसको यूज नहीं कर पाता। अब कुछ बंदों के जो स्किल सेट होते हैं वो यहीं तक सिमट के रह जाते हैं क्योंकि उनके पास एक लो एंड डिवाइस होता है। अगर आपके पास भी एक हाई एंड डिवाइस होता तो आप भी अपने जो स्किल सेट है ना उसकी पूरी की पूरी पावर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो भाई टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखो कि बेसिक ही एडवांस होता है, ठीक है, क्योंकि जिन बंदों को बेसिक नहीं पता होता ना और वो पहले एडवांस की तरफ जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तुम किसी भी एक भी बंदे को मारते हो ना तो उसमें आपका एक स्किल सेट का कोई ना कोई रीजन होता है। अब देखो भाई स्किल सेट किसी एक चीज से नहीं बनती, आप कुछ भी करते हो ना गेम के अंदर, कोई भी आपके अंदर खूबी है ना वो स्किल सेट का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि भाई कोई भी चीज होती है ना उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, तो वैसे स्किल सेट के अंदर अलग अलग चीजों के प्रकार है। बेसिक से लेकर एडवांस तक इस वाली वीडियो में बात करेंगे। एंड भाई देखो उन बंदों का दिल से शुक्रिया जो वीडियो को बिना बोले लाइक कर देते हैं एंड भाई ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही गेम प्ले लेवल अप होगा क्योंकि हम ना ट्रेंड के साथ साथ जो भी कम्युनिटी में चल रहा है ना, जो भी फिलहाल कॉम्पी में टूर्नामेंट्स में चल रहा होता है, डीबीएस मास्टर कर रहे या फिर कोई भी मतलब बर्स्ट दे रहा है, वैसे सब चीजों के बारे में ना टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियो आती रहती है। अगर आप लोग अब भी सब्सक्राइब नहीं करोगे ना बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। पहले हम लोग बेसिक पे बात करेंगे। देखो बेसिक में ना ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है बट बेसिक ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला था। अब सबसे पहले तुम लोगों को करना क्या है, देखो स्किल सेट जो होता है ना वो किसी भी बंदे के ऊपर ना ओवर पावर करने के लिए ना बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। एंड इस वाली वीडियो के एंड में आपको मैं बोनस टिप भी दूंगा जो स्किल सेट की बोनस टिप रहेगी जो कि एवरी कॉम्पी प्लेयर एंड टूर्नामेंट्स प्लेयर यूज करते हैं। एंड भाई क्या बोलूं, मतलब जोनाथन भी यूज करते हैं, मैंने उसको बताया था। पॉइंट भाई यही है कि रिकॉग्नाइज योर ओन पावर, देखो खुद की ताकत को पहचानना, ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखो बहुत सारे लोग है ना खुद की ताकत को नहीं पहचान पाते। अब कहने का मतलब क्या होता है, देखो हर किसी बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, ठीक है। तुम लोगों को पता है कि कॉम्पी प्लेयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स कैसे करते हैं, जैसे तुम लोगों को पता है कि अलग अलग टाइप की स्किल्स बिल्ड भी की जाती है एंड कुछ लोगों के अंदर है ना ऑलरेडी वो स्किल्स होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्लोज रेंज में बेस्ट खेलते हैं, कुछ लोग लॉन्ग रेंज में स्प्रेज वगैरह बढ़िया देते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग है ना कुछ चीजें बना लेते हैं, जैसे तुम लोगों को पता है कि अगर कोई कॉम्पी की स्क्वाड होगी ना तो उसके अंदर एक बंदा ऐसा होगा जो क्लोज रेंज के लिए बेस्ट खेलेगा। अब क्लोज रेंज बेस्ट के लिए तुम लोगों को पता है थंब खेलना पड़ता है एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्प्रेज वगैरह में काफी बेस्ट होंगे और कुछ लोग रिफ्लेक्सेस वगैरह में काफी बेस्ट होंगे एंड कुछ लोग माइंड से खेलते हैं, गेम सेंस काफी तगड़ी होती है उनकी, तो उनको आईजीएल तो भाई आईजीएल बन जाए, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को अपनी पावर को पहचानना है, तुम लोग यहाँ पे कैसे काफी तगड़े तरीके से है ना पूरे के पूरे गेम के अंदर ओवर पावर हो सकते हो, कैसे कौन सी स्किल आपके अंदर बेस्ट है पहचान सकते हो। तो किसी बंदे की मैं स्किल तो नहीं बता सकता कि भाई किसी भी बंदे के अंदर कौन सी स्किल बेस्ट होती है, बाकी देखो मैं बताऊँ ना तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि मेरा पूरा का पूरा गेम प्ले है ना, मैं पूरा का पूरा गेम प्ले में जो भी मेरा क्लोज रेंज है, लॉन्ग रेंज, स्प्रेज वगैरह देना है ठीक ठाक है। मतलब इतना ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं तो फाड़ के रख देता हूँ, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी भाई एक दो साल से खेल रहे हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई क्लोज रेंज में बंदा आता है तो मैं मार देता हूँ या फिर लॉन्ग रेंज में मैं गाड़ी से बंदा उतार देता हूँ, स्प्रेज वगैरह बढ़िया दे देता हूँ। तो तुम लोगों के अंदर वो एक स्किल है, ठीक है। वो एक ऐसा नहीं है कि तुम उसका तुक्का साध रहे हो भाई तुक्का है, ठीक है। नहीं, आपकी स्क्वाड में एक ऐसा बंदा होगा, आपका ऐसा कोई फ्रेंड होगा, भाई ये बंदा तो क्लोज रेंज में जाने ही नहीं देता, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट कर लेना है। जैसे आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो ना कि भाई मेरे को ये है ना मतलब कि मेरी कमजोरी है, मतलब ये मेरी जो एक स्किल है कि मैं इसको अगर ये चीज ऐसी होती है या फिर बंदा इस एंगल में आता है या फिर भाई कैसे भी करके उस वो बंदा राइट साइड से आ जाता है या फिर लेफ्ट साइड से आ जाता है तो उस वाले बंदे को मैं मार दूंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं आपको पहचानना है कि भाई कौन सी स्किल आपके अंदर है कि आप क्लोज रेंज में बंदे को मार सकते हो या फिर लॉन्ग रेंज में मार सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को ज्यादा नहीं खींचेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा तो रिपीट कर लेना। बाकी फिर भी अगर थोड़ा और सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई देखो आपके अंदर क्या बेस्ट है, ठीक है, वही एक स्किल आपके अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर स्किल का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बंदे देखो ये सोच रहे हो भाई तू क्या फालतू की बातें पेल रहा है, मैं ड्रिल और ट्रेनिंग के बारे में बता, वो सब चीजें हमेशा करते हो। बाकी उनके बारे में बताने वाला हूं, काफी तगड़ी तगड़ी एडवांस ड्रिल है जिनका यूज करके तुम लोग एवरी पर्टिकुलर स्किल को ना मास्टर कर पाओगे, बट ये चीज भी भाई मायने रखती है। देखो अगर तुम लोग हर चीज के पीछे भागोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, अगर एक स्किल के पीछे भागोगे तो अच्छी तरीके से उसको एटलीस्ट मास्टर कर लोगे। देखो अगर तुम क्लोज रेंज मास्टर कर लेते हो ना तो उसके बाद आपका कोई फंडा ही नहीं रहता। सिंपल सा मतलब है भाई, देखो हमें करना क्या है, हमें ऐसी स्किल पे काम करना है जिसमें हम लोग ऑलरेडी परफेक्ट हैं। अब अगर आप लोग स्प्रेज वगैरह बढ़िया देते हो तो स्प्रेज में परफेक्ट बन जाओ, लेकिन मेरा मानना ये है भाई किसी भी चीज में परफेक्ट होना हो लेकिन आपको हमेशा क्लोज रेंज में परफेक्ट होना है। अगर आपकी क्लोज रेंज बीस्ट नहीं है ना तो आप लोग कभी भी किसी भी बंदे को नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम लोग देखते हो भाई 99.9% हम जब भी मैच के अंदर उतरते हैं हुड ड्रॉप करते हैं तब भी क्लोज फाइट होगी, आप किसी बंदे को रश कर रहे हो तब भी क्लोज फाइट होगी, अगर कोई बंदा आपके ऊपर रश कर रहा है तब भी क्लोज फाइट होगी, या फिर आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में होना भाई तो आपकी क्लोज रेंज फाइट होगी ही होगी, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एक सिंगल एनिमी को मारने के लिए भी क्लोज फाइट होती है, तो इसलिए क्लोज रेंज की फाइट है ना उसको मास्टर आप लोगों को करना ही पड़ेगा। पॉइंट है, मैंने जोनाथन को बताया था, आई मीन जोनाथन मतलब मेरे चाचा का लड़का है, वो जोनाथन की तरह खेलता है, 19-20 का ही फर्क है,
20 का फर्क है। अरे तुम लोगों को क्या करना है, टीडीएम लगाना है एंड किसी ऐसे फ्रेंड के साथ लगाना है जो क्लोज रेंज में 20 हो, ठीक है। एंड उसके बाद वो करना क्या है, ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर पकड़ना है एंड इस वाले कंटेनर के पीछे आपके अपने टीममेट को आने देना है। ऐसे नहीं मतलब कि वो रस कर रहा है, पीक वगैरह दे के मार रहे हो, नहीं, कंटेनर के दोनों आसपास मतलब खड़े हो जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने वो खड़ा है, देन 1 2 3 बोलो एंड देन उसको बोलो रस कर, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि तुम लोगों की जो क्लोज रेंज है वो 20 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने अपने टीममेट को वापस यहाँ पे बुला लिया कि भाई वापस तू कंटेनर के सामने आ जा एंड यहाँ से फाइट स्टार्ट करते हैं। गलती से 1 HP हो जाते हो तो एक कंटेनर के कवर में आप लोग कैसे उस बंदे से बचोगे, कैसे हील अप हो जाओगे एंड कैसे उस वाले बंदे से फाइट लोगे, जैसे देखना। सब छोटी छोटी चीजें है ना क्लोज रेंज के लिए काम करना, ये काफी इंप्रूवमेंट दिलवाती है। बहुत सारे लोग करते क्या है, अब तुम लोगों ने जोनी को देखा होगा, बहुत बार वो क्या बोलता है कि भाई मेरे को फुल टीडीएम जो वेयर हाउस है उसके अंदर नहीं करना, हम कंटेनर वाला करते हैं, ठीक है। वो होता इसीलिए पंप करने के लिए, हमारे हाथों में बहुत तगड़ा पंप आता है अगर हम लोग क्लोज रेंज में जायरो का यूज करके जब बंदे को ऐसे जिगल के ट्रेस करते हुए ऐसे बंदे को टोवल करते हैं ना आराम से, उसके ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं तो उससे हमारे हाथों में पंप आता है, ठीक है। आपको एंड में एक बोनस टिप दूंगा, बाकी तब तक आप मेरे को ये बताओ कि आपकी जो जॉयस्टिक का साइज है ना वो कितना है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्लोज रेंज के लिए कि भाई क्लोज रेंज में ना जॉयस्टिक का साइज एक मतलब मैटर करता है, एक पर्टिकुलर साइज। अगर आपका ज्यादा साइज है तब भी दिक्कत होता है, ज्यादा कम है तब भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो मेरे आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी आपको एंड में अभी एक पॉइंट के बाद एक और पॉइंट बताने वाला हूं तो कोई भी स्किप नहीं करेगा, बाकी वीडियो को लाइक कर देना एंड आपको जो लास्ट में बोनस टिप दूंगा वो भी काफी मेजर मैन तगड़ी रहने वाली है। पहला पॉइंट मैं स्क्रिप्ट में लिख रखा है बट मैं इसको शूट करना भूल गया क्योंकि मेरी स्लॉट में है ना ये वाले गन ही नहीं थी। अब तुम लोगों को करना क्या, एक टीडीएम तुम लोगों को ऐसा लगाना है, देखो भाई तुम्हारी कोई भी गन फेवरेट हो, आप AKM से ओवर पावर होते हो, M4 से हो, किसी बंदे को क्लोज रेंज में हरा देते हो, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारी जो सबसे टट्टी गन है भाई, तुम लोगों को लगता है उजी जो होती है वो आप लोग नहीं चला पाते, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी गन जिसका जो डैमेज है वो बहुत ही कम है, कोई भी स्कॉर्पियन वगैरह थर्ड जो गन होती है पिस्टल वगैरह, तुम लोगों को वो निकालनी है और सामने एक ऐसा टीममेट रखना है जो कि AKM या फिर बैरल वगैरह की जो 7 KMO वाली जो गन्स होती है ना उनको उसने मास्टर कर रखा हो, मतलब क्लोज रेंज में वो बंदा बीस्ट हो, ठीक है। उसके साथ वो करना क्या, एक TDM का 1v1 लगाना है, आपको यूज करनी है कोई भी थर्ड पार्टी गन, M16 यूज करो जिसकी मतलब ज्यादा डैमेज ना हो, PP बाइजन यूज करो या फिर आपको स्कॉर्पियन यूज करना है थर्ड पार्टी वाला, आप कोई भी गन यूज करो जिसका ज्यादा डैमेज ना हो, ज्यादा मतलब कि एम असिस्ट ना हो, वो गन आपको यूज करनी है और अपने सामने वाला जो टीममेट है ना जो आपका विरोधी बंदा है, ठीक है, जो कि आपका राइवल है, ठीक है, उस बंदे को बोलना है भाई तू अपना 100% देना और AKM निकाल ले भाई, ठीक है। तब देखना भाई, तब वहां पे पता लगता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है उस बंदे को मारने की। माना कि उस बंदे के पास एडवांटेज है, उसके पास अपनी जो फेवरेट गन है AKM है, उस बंदे का मतलब काफी तगड़ा एम है और वो AKM से ज्यादा डैमेज दे सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो गन है ना उस गन से तुम उस बंदे को कैसे मारोगे, कवर टू कवर खेल के मारोगे या फिर कैसे मारोगे, ठीक है। उससे पता लगता है कि जो आपकी क्लोज रेंज है वो कैसे बीस्ट हो सकती है, आप विदाउट बिना डैमेज खाए उस वाले बंदे को कैसे मार सकते हो, आपको कैसे पीक करना है, ये सब चीजें करने से आपका जो गेम होता है ना क्लोज रेंज में वो काफी इंप्रूवमेंट खाने लग जाता है। बात कर रहे हो ड्रिल की, तो आपको वो मोड में जाना है, ये वाला 2v2 TDM लगाने लेना, कम से कम 5 से 6 मैच इसके एवरीडे खेला करो, क्योंकि इसमें ज्यादातर है ना क्लोज रेंज की फाइट होती है और बंदा जल्दी जल्दी स्पोन होता है एंड आपके पास AKM और UMP होती है, तो आप लोग काफी तगड़े तरीके से है ना AKM और UMP में ना काफी तगड़े तरीके से इंप्रूव कर पाओगे। जब भी क्लोज में बंदा आएगा ना आपके पास AKM और UMP रहेगी तो आप उसको काफी इजी तरीके से मारने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसे ही वो मोड आपको आगे दो और बताने वाला हूं जो कि काफी तगड़े रहेंगे, तो बस आप लोग देखते रहो एंड आपको अभी लास्ट एंड उसके बाद एक और बताऊंगा, बस क्लियर हो जाएगा पूरा वीडियो, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जिगल और मूवमेंट एक ही चीज होती है, बट मैं मानता हूं भाई नहीं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में है ना जो हेडलाइन होती है ना जिगल और मूवमेंट की, वो दोनों बताने चाहिए, जिगल किसको बोलते हैं और मूवमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो मेरा मानना ये है कि जिगल होता है अपना जॉयस्टिक से लेफ्ट एंड राइट करना, सिंपल है, बट जिगल के भी कई प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं मूवमेंट की, तो मूवमेंट में सब चीजें आती है, क्राउच कर रहे हो, प्रोन कर रहे हो, रिफ्लेक्सेस दिखा रहे हो, जैसे कि आप लोग अभी देखना है तुम्हारा भाई जैसे मतलब फुल जिगल विगल देते हुए बंदे के पास जा रहा है, क्राउच भी कर रहा है एंड प्रोन भी मैंने कर दिया, यहाँ पे पीक वगैरह भी कर रहा हूं, तो ये जितनी भी मूवमेंट्स में एक साथ कर पा रहा हूं ना केवल मात्र इसी को मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोग जिगल वगैरह देख रहे हो लेफ्ट साइड मतलब जिगल दे रहे हो, कोई बंदा आ रहा है तो उसको जिगल देके किल कर पा रहे हो तो उसको जिगल बोलते हैं, वो मूवमेंट में नहीं आता, ठीक है। मूवमेंट में जिगल कभी नहीं होता, एक मतलब कॉम्बो होता है मूवमेंट में, तो मतलब प्रोन वगैरह कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि कोई भी स्किल इंप्रूव करने के लिए आपका सबसे पहले जो चीज है ना क्लोज रेंज बेस्ड होना चाहिए, क्लोज रेंज में जिगल बहुत काम करता है। अब क्लोज रेंज भी दो प्रकार से बंदा सामने आ सकता है,
इसका, एक तो थोड़ा मिड रेंज में रहेगा और एक ज्यादा ही अंदर ही घुस जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए दो टाइप के जिगल होते हैं, अगर ज्यादा ही क्लोज में चले गए हो तो फास्ट देना है, एंड अगर आप थोड़ा सा मिड रेंज में थोड़ा लॉन्ग जिगल देना, ठीक है। अब अगर आप लोग लॉन्ग जिगल देते हो ना तो आपका जो क्रोशियर ना वो बंदे के बिल्कुल हेड पे रहता है, थोड़ा मिड रेंज में देते हो। तो अगर आप लोग बिल्कुल फास्ट जिगल दे रहे हो तो वो क्लोज में देना है, अगर आप लोग क्लोज में फास्ट जिगल दोगे तो बंदा बिल्कुल बड़ा दिखने लगता है। क्लोज में जो करेक्टर होता है ना, आप लोग बोट का करेक्टर भी देख रहे हो कि कितना बड़ा मेरे को दिख रहा है, जितना दूर जाऊंगा उतना ही छोटा दिखेगा, ठीक है। तो आपको जितना पास में जाना है तो फास्ट जिगल देना है, और जितना दूरी पे हो ना तो उतना ही आपको लॉन्ग जिगल देना है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। जो क्लिप देखी ना, मैं क्लोज में था ना, मैं ज्यादा दूरी पे था, थोड़ा मिड में था, और भाई तुम लोगों ने जिगल देखा, काफी लॉन्ग में दे रहा था, मेरी जोस्टिक आप लोगों को देखनी थी, एंड उसमें मैं हैंड कैम रिकॉर्ड तो मैंने कर रखा है, बट मैं उस फाइल को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पाया, तो उसके लिए थोड़ा दिल से सॉरी है। मैं आपको थोड़ा क्लोज का दिखाता हूँ। टाइम पे जिगल देने के लिए भाई आपको ये वाला मोड खेलना है। अब इसमें होता क्या है कि आप लोग अलग अलग टाइम से है ना, यहाँ पे तुम लोगों को बंदा मिड में भी मिलेगा, क्लोज में मिलेगा, बट ज्यादा लॉन्ग पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वाले मोड में खेल के ना, वो मोड है, इसमें खेल के आप लोग काफी तगड़े तरीके से है ना अपना जो जिगल होता है उसको परफेक्ट कर सकते हो। भाई कौन सी टाइमिंग है, कहाँ पे बेस्ट हमें जिगल देना चाहिए उसके हिसाब से। अपनी लास्ट एंड फाइनल बोनस टिप है वो ये है कि भाई देखो, कभी भी किसी भी बंदे की वीडियो देख के, आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखते हो, सेंसिटिविटी की देखते हो, या फिर कोई भी स्किल इंप्रूव करने के लिए वीडियो देखते हो ना, तो वीडियो से आपके गेम प्ले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब आप उसको रियलिटी में करोगे देखोगे ना कि भाई आप लोग गेम के अंदर कहां कहां पे वो चीज आपके साथ हुई है, ठीक है। अब देखो आप लोग सोचते भाई ये जो मिड जिगल है मैं दे लूंगा, बंदा आएगा तब, लेकिन जब बंदा आता तब नहीं दे पाते, ठीक है, यही सबके साथ दिक्कत होती है। तो भाई रियलिटी में वो चीजें करके देखो, जो चीजें तुम लोग यहां पे देख रहे हो तभी तुम लोग कर पाओगे। रियल फाइट्स जितनी लोगे ना उतना ही ज्यादा आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा, ठीक है। एंड आई होप ये वाला गेम प्ले वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, मिलता हूं गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।